हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित कारपाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो SBI में सर्कल बेस ऑफिसर की वैकेंसीज निकली हैं। टोटल 1422 वैकेंसीज हैं। वो वैकेंसीज को आज डिस्कस करेंगे। क्या क्या सिलेक्शन पैटर्न रहने वाला है, क्या एज क्राइटेरिया मांगा हुआ है उन्होंने, वो कंप्लीट नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली SBI ने अपने बैंक को सर्कल्स में डिवाइड किया हुआ है। वो सर्कल्स उसने उस पर्टिकुलर एरिया में जो लैंग्वेजेस ज़्यादा चलती हैं उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करा हुआ है, और उन अलग अलग सर्कल्स में बैंक वैकेंसीज निकालता है। पिछले 3-4 साल से ये वैकेंसीज निकल रही है। इस बार भी 1422 वैकेंसीज निकाली है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस कर लेते हैं। आज से 18th of October से एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है, और 7th of November विल बी लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, एंड ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन 4th December of 2022। उसके बाद बायफर्केशन देख लेते हैं। बायफर्केशन वैकेंसीज की आपके सामने हैं। इन सर्कल्स में इतनी इतनी वैकेंसीज निकली हुई हैं। जिस भी सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो पर्टिकुलरली, उसमें ये साथ में लैंग्वेज मैंशनड है कि वो लैंग्वेज में आप प्रोफिशेंट होने चाहिए। बेसिकली अगर तो आपने 10th लेवल पर ये लैंग्वेज पढ़ी हुई है, देन यू विल बी डायरेक्टली एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस पोस्ट। अगर आपने 10th या 12th में ये लैंग्वेजेस के इन लैंग्वेजेस को नहीं पढ़ा हुआ है, देन आपका इस लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर टेस्ट होगा। अगर वो आप टेस्ट क्वालिफाई करते हो फिर ही आप सिलेक्शन होगी आपकी, एल्स यू विल नॉट बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। इन्होंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू होगा। जो ये तीनों फेजेस क्लियर करेगा उसका ही लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद ये बैकलॉग वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन है। फिर यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताई हुई है कि जिस भी सर्कल पर्टिकुलर सर्कल के लिए आप अप्लाई करोगे, उसमें या तो जब तक आप स्केल 4 तक प्रमोट नहीं हो जाते हो, या आपकी 12 साल की सर्विस नहीं हो जाती है, इन दोनों में से जो मतलब बाद में होगा, ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो अपने ट्रांसफ़र के लिए। अदरवाइज आपको उसी सर्कल के अंदर ही पोस्टिंग मिलेगी, पर्टिकुलर सर्कल के अंदर ही। और लैंग्वेज वाला पार्ट तो मैंने पहले बता ही दिया है कि जो लैंग्वेज की बात है, या तो आपके 10th या 12th में वो लैंग्वेज आपने पढ़ी होनी चाहिए, नहीं तो आपका एक अलग से लैंग्वेज टेस्ट होगा। अगर वो आप क्वालिफाई करोगे फिर ही आप एलिजिबल होगे सिलेक्शन के लिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, कोई मेडिकल इंजीनियरिंग या CA वगैरह की, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज की अगर बात करें तो मिनिमम एज क्राइटेरिया है 21 ईयर्स, एंड मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है 30 ईयर्स। इन्होंने ये डेट्स मेंशन भी कर रखी हैं कि जिन जिन डेट्स के अंदर ही अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो ही आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और इसके बाद इन्होंने सारी रिलैक्सेशन मेंशन कर रखी हैं। अगर आप कोई भी रिलैक्सेशन का मतलब रिलैक्सेशन ले सकते हो तो वो यहाँ पर मैंशन है। इसके बाद क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका जो एक्सपीरियंस भी यहाँ पर इन्होंने मैंडेटरी दिया हुआ है। अगर आप किसी बैंक में ऑलरेडी जॉब करते हो जो कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, या कोई भी रीजनल रूरल बैंक है, उसमें अगर आपने 2 साल एज एन ऑफिसर जॉब करी है तो ही आप इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। उसके बाद सिलेक्शन पैटर्न की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन पैटर्न जो है वो पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। डिस्क्रिप्टिव में आपसे लेटर एंड ऐसे लिखवाए जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स आने हैं वो आपके सामने यहाँ पे मैंशनड है। क्वेश्चंस और जो भी मार्क्स रिलेटेड है वो यहाँ पे मैंशन कर रहे हैं आपको। उसके बाद अगर सिलेक्शन पैटर्न हो गया, उसके बाद सैलरी की बात करते हैं। सैलरी जो रहेगी वो जो नॉर्मल स्केल 1 ऑफिसर की बेसिक पे होती है वो 36,000 होती है। बट SBI में क्या है कि अगर आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो दे विल बी प्रोवाइडिंग यू टू एडवांस इंक्रीमेंट्स फॉर दैट। तो ओवरऑल जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी सारे अलाउंसेज वगैरह और मिला के, तो वो ग्रॉस सैलरी आपकी लगभग ऑलमोस्ट 65,000 के अराउंड बन जाएगी। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस ST, ST और PW कैंडिडेट के लिए नील है। जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज़ है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स मेंशन है, तो आप देख सकते हो जो जो भी आपके सबसे पास पड़ता होगा उस एग्जामिनेशन सेंटर को आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो उस पोस्ट के लिए।
और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिंक मेंशन है SBI करियर्स का, तो वहाँ पे जाके IBPS की वेबसाइट होगी IAS, तो वहाँ पे आप रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज़ पॉसिबल, बिकॉज जितनी ज़्यादा आप लाइक एंड शेयर करोगे उतना ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और ज़्यादा लोगों का मतलब बेनिफिट हो सकता है इस वीडियो से। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गेट दिस काइंड ऑफ अपडेट्स रेगुलरली, काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ऑल्सो मैं जो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का अकाउंट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इन केस अगर आपको एडवर्टीजमेंट में कुछ नहीं समझ में आता है, कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन लिंक्डइन एंड आई विल रिवर्ट टू यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।